इनडायरेक्ट MIM को सपोर्ट करते हुए हम जिस तरह ओल्ड सिटी में पहले किया आपको मालूम है, इस बार ओल्ड सिटी में हर जगह हम सीरियस कैंडिडेट्स रख रहे हैं और जहां तक हमारी सर्वे दिखा रहे हैं दो तीन जगह हमारे जीतने का भी चांस भी है। सर आपका ये प्रोग्राम में कितने लोग आएंगे रफली? ये प्रोग्राम में हम ये प्रोग्राम लोग मोबिलाइजेशन का नहीं है, कौन गिराए रहे वो ये सिंबॉलिक है। चार मीनार के आगे से राहुल गांधी जी एक मैसेज देना, ये पूरी तेलंगाना आवाम को एक मैसेज है, ये सिंबॉलिक है। तो कितने लोग आएंगे हम तो कोई मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वॉलंटरी जो आएंगे तो उसके साथ रैलीज में आएंगे ना, हम MIM के साथ जाएंगे और MIM भी KCR को CM बनाने का जो उनकी कोशिश है वो लगे रहे हैं। हम पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को यहाँ चारमीनार के सामने से अपील कर रहे हैं, वो इस हिसाब को समझाना पड़ेगा क्यों KCR को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसलिए कि KCR ने BJP को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वोट दिया था? क्या वही सी सब TRS को सपोर्ट कर रहे क्योंकि TRS ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन में सपोर्ट किया था? क्या वही सी सब सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन में TRS ने BJP को वोट दिया था? क्या इसलिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में TRS ने BJP को सपोर्ट किया और नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में स्पीच में KCR को बहुत तारीफ किया? डीमोनिटाइजेशन और GST की वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जिसे हर कम्युनिटी को हुआ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स को, व्यापारों को बहुत ही तकलीफ हुआ। फिर भी ओएसी साहब क्यों TRS को सपोर्ट करने के लिए वो ऐलान कर रहे हैं और ये इतना बताते हैं TRS को वोट देना BJP की वोट देने के बराबर है। सर यही इश्यू आप लोग लेकर आए दूसरे